दोस्तों भारतीय टीम पहली सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अब वर्ल्ड कप के अपने आखिरी महामुकाबले में नीदरलैंड की टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसी के लिए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की पूरी ही प्लेइंग 11 बदल दी है और नई प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, क्योंकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अब अपने सभी मुकाबले जीत चुकी है, जिसको देखकर नीदरलैंड की टीम ने मैच से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि भारत और नीदरलैंड के बीच वर्ल्ड कप का आखिरी महामुकाबला कब खेला जाए। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया है, तो भाई एन मैच नीदरलैंड की टीम के लिए भी अहम होने वाला है, क्योंकि नीदरलैंड की जैसी छोटी टीम ने इस वर्ल्ड कप में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 2 में मैच में जीत दर्ज करके वह अभी भी इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम से पॉइंट टेबल में आगे है। तो भाई भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में पहले ही पायदान पर विराजमान है, तो भाई अहम मुकाबला भारतीय टीम के लिए भी काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम अगर यह मुकाबला जीत जाती है तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप में पहली बार लगातार 9 मैच जीतेगी। तो भाई नीदरलैंड की टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, इसलिए वह भारतीय टीम के खिलाफ एक बड़ा ऑलआउट फेर करने के इरादे से उतरेगी। हालांकि जिस तरह से टीम इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में पूरी तरह से अजय रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो कि भारतीय टीम ने बुरी तरह से हराया, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से इनफॉर्म टीम आ रही थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम को मात्र 83 रन पर समेट दिया था, उसी तरह से अब नीदरलैंड की टीम के लिए इस महामुकाबले हराने के लिए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, जहां पर लगातार मैच खेल रहे टीम के खिलाड़ियों को इस महामुकाबले के लिए आराम दिया जाएगा, क्योंकि सेमीफाइनल से इस महामुकाबले के लिए कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने की ज़रूरत। तो भाई ईशांत किशन और शार्दुल ठाकुर तथा रविचंद्र अश्विन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है, जिससे भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भी मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अगर यही प्रदर्शन टीम इंडिया सेमीफाइनल में जारी रखती है तो टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप में जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। इसीलिए इस महामुकाबले को लेकर रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और भारतीय टीम एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ इस मैदान पर उतरेगी, क्योंकि अभी तक दोनों टीमें वर्ल्ड कप हिस्ट्री में मात्र 2 ही बार आमने सामने आई हैं, जिसमें भारतीय टीम ने सभी दोनों बार जीत दर्ज किए। तो भाई रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने इस प्लेइंग 11 के साथ नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जहां पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टीम के कप्तान रोहित शर्मा और एक बार फिर से सुमन गिल करने वाले हैं, क्योंकि टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और वह भारतीय टीम के लिए हमेशा से ही ताबड़तोड़ शुरुआत दिला रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और 40 रन की धुआंधार पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए उस महामुकाबले में एक शानदार जीत दिलाई थी। तो भाई रोहित शर्मा अभी तक वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक तथा 1 शतक के साथ वह 450 से अधिक रन बना चुके हैं। तो भाई सुमन गिल भी लगातार वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों मुकाबलों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। तो भाई सुमन गिल ने अभी तक वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 250 से अधिक रन बना चुके हैं। तो भाई 3 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से विराट कोहली इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, हालांकि उन्हें इस महामुकाबले से आराम भी मिल सकता है, लेकिन इससे भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन भी खराब हो सकता है, इसलिए रोहित शर्मा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और विराट कोहली लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर उस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी, अभी तक विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 अर्धशतक तथा 3 शतक के साथ वह 550 से अधिक रन बना चुके हैं। वही 4 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से श्रेयस अय्यर इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने पिछले दोनों मुकाबलों में शानदार 70 रन से अधिक की
पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए बड़े मुकाबले से पहले ही अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए, तो वहीं 5 नंबर के लिए भारतीय टीम की एक समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरह से वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी उस तरह से अब वह बल्ला नहीं चला पा रहे हैं और पिछले 4 मैचों में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। इसलिए रोहित शर्मा इस माह मुकाबले में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, उनकी जगह इस मैच में ईशांत किशन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं 6 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वह पिछले 2 मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, लेकिन भारतीय टीम में बल्लेबाजों की कमी होने के कारण उनकी इस नंबर पर जगह पक्की मानी जा रही है। तो वहीं 7 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा मौजूद है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अब वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने बल्लेबाजी से धमाकेदार प्रदर्शन किया, तो वहीं गेंदबाजी से और भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए उस महामुकाबले में उन्होंने 5 विकेट लेकर भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिलाई थी, क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 8 मैचों में 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 8 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास कुलदीप यादव जैसे धाकड़ बॉलर मौजूद है, क्योंकि कुलदीप यादव भी लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वही प्रदर्शन जारी रखा और 2 विकेट अपने नाम किए। तो कुलदीप यादव ने अभी तक वर्ल्ड कप में कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 11 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं इस मुकाबले के लिए उनकी जगह हालांकि रविचंद्र अश्विन को मौका मिल सकता है और कुलदीप यादव को रेस्ट दी जा सकती है। तो वहीं 9 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया की बॉलिंग काफ़ी खतरनाक हुई है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने मात्र वर्ल्ड कप में 4 ही मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 16 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इसलिए इस प्लेइंग 11 को देखकर नीदरलैंड की टीम पहले ही खौफ खा चुकी है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस प्लेइंग 11 में क्या और बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।